नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उस पौधे के बारे में आप सबको नॉलेज है और आप सब उसको घर में अपना यूज करते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो आपको उसकी याद आएगी और आप उसको खरीदते हैं और आपको घर में भी लगाते हैं और आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और हर आदमी के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप अपने बगीचे में इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो आप तुरंत लगाइए, इसका बहुत ही अच्छा समय शुरू हो चुका है। समय तो दोस्तों 20 दिन पहले शुरू हो चुका था मगर मैं वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ और आप इस पौधे को मार्च तक लगाओगे ना तो बहुत जल्दी लग जाता है और मार्च के बाद लगाओगे तो ये सूख के फिर हरा होता है। तो आप अभी जल्दी से जल्दी इसको लगाइए और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। और ये देखिए दोस्तों, इस पौधे को क्या बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पौधा पिछले साल का हमारा बीज गिरा था और हमारी जड़ें बची हुई थी, इस क्यारी में पूरे में थी हमारे। ये देखिए पुदीना, इसको बोलते हैं पुदीना। ये गर्मियों में हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, इसकी चटनी भी बनाते हैं और इसके पानी वगैरह बना बना के पीते हैं। गर्मी में हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। और ये देखिए हमारा पिछले साल इस क्यारी में लगा हुआ था तो हमने इसको कुछ जड़ें छोड़ दी, कुछ इसका बीज गिरा, उससे ये हो गया। देखो हमने घास भी नहीं निकाली है। जब इसका समय शुरू होता है ये जनवरी 10 के आसपास ही निकलना शुरू हो जाता है। देख रहे हो, ये देखो कितना शानदार निकल रहा है। ये देखिए मैंने इतना निकाल के थैलियों में लगा भी दिया है और मैं वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ। आप इसको कहीं से भी, मार्केट से भी मिल जाएगा, मार्केट से इतनी तो नर्सरी से मिल जाएगा, आप इसको तुरंत लगाइए। अब इसका लगाने का बहुत अच्छा समय है, ज़्यादा गर्म दिन हो जाते हैं फिर ये सूख के फिर गहरा होता है। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पिछले साल की हमारी जड़ें बची हुई थी, देख रहे हो इन जड़ों में से निकला है। देखो ये जड़ें सूख गई थी फिर ये गुच्छा गुच्छा निकला है, इतनी जड़ों में से एक गुच्छा बना है। देख रहे हो इस जड़ में से एक गुच्छा बना है। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हो अब ये किस कितना शानदार फुटावार है इसका। ये देखो ऊपर भी निकल गया और देखो नीचे से कितना ग्रोदार है। इसको आप जनवरी फर्स्ट वीक में भी लगा सकते हैं और फरवरी के लास्ट दिनों में 15 मार्च तक लगाओगे तो बहुत जल्दी लग जाता है ये। और जैसे ही 15 मार्च के बाद गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाता है उस टाइम आप लगाओगे तो लग जरूर जाता है, एक बार सूखेगा फिर लगेगा ये। आप इसको मीठी मीठी, ये सर्दी है, मीठी मीठी गर्मी है, इसको तुरंत लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और पुदीना एकदम से आपका गमला भरेगा ये मार्च 15-20 के आसपास। इसको तुरंत लगाइए, बहुत खुशबू आती है। और ये देखिए मेरे पास और भी बचा हुआ है, देखिए ये देखो घास में भी उगने लग रहा है ये, देख रहे हो। अभी मैं जितना भी है कुछ थैलियों में लगाऊंगा, कुछ इसको फिर ज़मीन में लगा दूंगा, देख रहे हो ये। और ये देखो जहाँ भी इसकी एक जड़ बची होगी ना, ये अगर आपके पास भी गमले में था पिछले साल का वो आपने छोड़ दिया और उसकी जड़ें बची हैं तो उसमें भी ऐसे आ सकता है। और ये देखिए दोस्तों मैं आपको गमले में लगा के, थैलियों में लगा के दिखाऊँगा और ये बहुत काम की चीज़ है। और जब आप हमारे पास नर्सरी में लेने के लिए आओगे तो हम इसको 20 रुपये की थैली देंगे और आप आपका काम ये इतनी जड़ में चल जाएगा। ये आप कहीं से भी, मार्केट से भी लेके लगा सकते हो, किसी नर्सरी से भी लेके लगा सकते हो। फिर जब हम इसको थैली में लगा देंगे, थैली भर जाएगी तो 20 रुपये की देंगे हम आपको और फिर आप उसको ले जाके लगाओगे तो इससे अच्छा दोस्तों बहुत अच्छा समय है। आप अपने बगीचे में, आप अपने किचन गार्डन में पुदीना लगाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है। आप जल्दी से जल्दी ये काम करिए और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आप हर साल लगाते भी होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लगा के और मैंने कैसे लगा रखा है। दोस्तों ये मैंने, देखिए ये मैंने 15 जनवरी के आसपास लगा था सारा, ये आप देख रहे हो कितना बढ़िया चल पड़ा है। ये देखो ये मैंने 15 जनवरी के आसपास लगा दिया था, कितना शानदार बन गया है। ये देखिए अब ये खूब चल पड़ी हैं थैलियाँ, ये देखो कितना शानदार बन गया है। आप ऐसे इसको लगा सकते हैं, ये देखिए खूब थैलियाँ भरने लग गई, देख रहे हो कितना शानदार फुटाव आया है, बहुत शानदार फुटाव आएगा। और हर थैली कितना शानदार तरीके से चल रही है, ये देखिए ये थैली बिल्कुल भर जाएंगी, इसमें हमने कुछ नहीं करना है, मिट्टी सूखती रहती है, पानी देते रहते हैं, ये नमी ज़्यादा मांगता है। ये देखिए और बहुत खुशबू आ रही है इसमें और बहुत ही अच्छा है ये।
तो आप ऐसे लगाइए, और ये देखिए मैं और थैलियों में भी लगाऊंगा अभी, ये देखिए, ये देखिए मैंने थैली खाली कर रखी है, ये इन थैलियों में मैं लगाऊंगा, और इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए मैंने नॉर्मल खाद मिला रखा है, वही मिट्टी मैंने भर रखी है, देख रहे हो कितनी शानदार मिट्टी है, देखिए ये देखिए, ये देख रहे हो, ये देखिए ये मिट्टी है बस, और कुछ नहीं मिलाना है इसमें, ये मिट्टी, इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं रहती है, नमी में अच्छा खिलता रहता है, बहुत अच्छा काम आएगा आपका, बहुत अच्छा काम आएगा, ये देखिए बहुत बढ़िया समय है, आप इसको लास्ट फरवरी तक लगाइए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये देखिए बस ये इतना लीजिए। और इसके बारे में आपको सबको पता है, ये डंडी से लगता है क्या, ये कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है, और ना ज़्यादा शिक्षा देने वाली बात है, हर आदमी को पता है, कोई भी आता है कहता है यार बाज़ार से लेके दो डंडी लगा देते हैं, लग जाती है, क्या 20 रुपये देने हैं, हम तो मेहनत करते हैं इसलिए 20 रुपये तो चाहिए हमें, तो हमारा काम है आप लोगों को नॉलेज देना, ये देखिए बस इतना लगाइए, और जो आप बाज़ार से लेके आओगे वो उसकी थोड़ी ही हालत ख़राब कर देते हैं पानी मार मार के, आप किसी नर्सरी से लीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, ये देखिए ये 2-4 डंडी लेके तुरंत लगाइए, ये ऐसे बहुत आसानी से लगता है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना लाभकारी है, गर्मियों में बहुत काम की चीज़ है, देखिए कैसे निकलने लग रही है, देख रहो ये देखो, आप ऐसे लगाइए पुदीना का पौधा, एक जड़ पूरे गमले को भर देती है, बहुत शानदार है ये, तुरंत लगाइए इसको, बहुत अच्छा समय है, आप के बगीचे को खुशबू से भी भरेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, गर्मियों में हमारे लिए ये गर्मियों का तोहफा है, प्रकृति ने देखी क्या चीज़ बना के दी है, एक एक चीज़ समय पर हमारे काम आती है, आप उसको बचा के रखिए और समय आए जब उसको यूज़ करिए और लगाइए। अब देखिए जो हमने पिछली साल जो हमारी थोड़ी बहुत पौध बच गई थी वो छोड़ दी, और इसका पकने के बाद सितंबर के महीने में अक्टूबर के महीने बीज था वो गया, अब ये हमारे को लेना नहीं पड़ेगा, हम इसको तोड़ तोड़ के लगाएंगे और हमारे 2 पैसे बनेंगे और वो पैसे हमारे काम आएंगे, ये देखिए। और आप भी अपने बगीचे में अगर पिछले साल की कोई जड़ बची है या बीज से उगया तो दोस्तों तुरंत उसको लगाइए, ये बहुत जल्दी उगेगा, आप इसको तेज़ गर्मी होने से पहले लगाइए, ये देखिए आप ऐसे पुदीना का पौधा आसानी से तैयार कर सकते हैं, ये डंडी से भी लगता है और ये बीज से भी लगता है, दोनों चीज़ों से लगता है, बस आपने ऐसे लगाना है, आप ऐसे लगा के गमले में अच्छी नॉर्मल खाद मिट्टी वगैरह डाल के, इसमें केमिकल मत डालिए क्योंकि ये हमें खाना पड़ता है, आप इसको नॉर्मल गोबर की खाद या कोई कंपोस्ट वगैरह है उसको मिला के एक बार भर दो तो सितंबर अक्टूबर तक आपको खूब खिलता रहेगा, आप तोड़ते रहेंगे ये आता रहेगा, आपने कुछ नहीं करना, मिट्टी सूखे जब पानी देते रहो, इसको नमी रखोगे ना तो ये अच्छा बनता रहता है, ये नमी में थोड़ा ज़्यादा खिलता है, तो आप पुदीना का पौधा अपने किचन गार्डन में पक्का लगाइए, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, और लगाने का दोस्तों बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है, और इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है, कोई भी यहाँ भाई साहब या बहन आती है अंकल डंडी लग जाती है डंडी, ये सबको पता है, मगर डंडी भी तो होनी चाहिए ना, डंडी आपका मन ने बचा के रखी है तो आप डंडी से लगाइए, बाज़ार से लेके या किसी नर्सरी से, हमारा बताने का मतलब ये है कि इसका समय दोस्तों किचन गार्डन में लगाने का समय शुरू हो गया है, तो आप इसको तुरंत लगाइए, क्योंकि हम भी अभी लगा रहे हैं तो आप भी लगाओगे तो फिर आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, तो पुदीना का पौधा आप तुरंत अपने गमले में लगाइए, बहुत ही बेहतरीन समय है इसका, बहुत शानदार है, ये आपके काम आएगा और आपके बगीचे को खूब हरा भरा और खुशबू से भर देगा और आपके स्वास्थ्य को ठंडक देगा, आप इसको प्रयोग करिए और करते भी होंगे, मैंने इसका लगाने का समय बताया दोस्तों, आपको कैसा लगा, नमस्कार, जय हिंद।